नमस्ते भाई साहब, इतनी बात बढ़ गई कि सिक्योरिटी गार्ड पड़ गया, लेकिन अलाउड नहीं है मुझे जाना। दो लड़कियां आई और लाइक फ्लाइंग किस देकर चली गई, यहाँ पे लड़कों को छेड़ा जा रहा है। ओके गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं हूँ कैसाब्लांका में, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई टैक्सी फाइंड करने में। यहाँ पे भाई साहब आपको टैक्सी रोकनी पड़ती है, और बेसिकली यहाँ पर टैक्सी एकदम बस का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर टैक्सी होती है तो कोई भी बढ़ जाता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से टैक्सी रोकने का, फिर चेकिंग से कम नहीं है भाई ये टैक्सी रोकना। हसन जो अली मॉस, ये भाई साहब भी नहीं जा रहे। एक्चुअली मैं एक मॉस्क जा रहा हूँ, कुछ ऐसा इलाका जहाँ पर मैं भी बैठ के हिचाएगी मान के चलो कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे अब तो, हालांकि मैं टैक्सी ले रहा हूँ। ये वैसे ना रोका, देखो क्या बोलते हैं। हसन अली मॉस्क मॉस्क ओके फाइनली। तो भाई साहब फाइनली टैक्सी में बैठ चुका हूँ, टैक्सी मिल गई। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मीटर है इनका, तो पहले बंदे का जो हाँ दिस इज माइन ओके, तो तीन लोग यहाँ पे रख सकते हैं। एक जो दीदी मेरे पीछे बैठी हुई है उसका जो भाड़ा है किस भाड़ा हुआ है, मेरा जो भाड़ा है अभी 2-3 ही हुआ क्योंकि जस्ट मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पे मीटर टैक्सी काफ़ी है और सही चलती है, अभी मीटर टैक्सी उसको ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे ट्रैम वगैरह भी चलती है, मैं ट्रैम को ट्राई करता हूँ अभी, नहीं तो अगले कल मैं ट्राई करूँगा ट्रैम लेने का। फिलहाल तो अभी इसी में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई साहब हम लोग जा ही रहे हैं, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा, नारियल के पेड़ के साथ हैं दोनों तरफ। ये देखो भाई क्या मस्त दिखने लग रही है। और भाई साहब चलाए जा रहे हैं और मुझे ये छोड़ रहे हैं। मेरा अभी तक बिल आया है 16 का, और आई थिंक ऑलमोस्ट आने वाला है, तो मेरा अराउंड 20-25 के आसपास का बिल आएगा, तो 200-180 रुपये के आसपास का बिल मेरे हिसाब से रहने वाला है। सही है भाई साहब, यहाँ पे टैक्सी मेरे को सब बेटर लगा, यहाँ की टैक्सी सर्विसेज और ये मीटर सर्विसेज जो कि मुझे तंजीर में देखने को नहीं मिली थी, अच्छा लग रहा है देखने में। ये मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और ये भाई साहब काफ़ी सही हैं, मुझे बताया जा रहे हैं कौन सी स्ट्रीट पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। थोड़ा मोड़ा उनको भी उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर भी प्रयास जारी है। भाई साहब मैं मॉस्क तो आ चुका हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे एंट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेन रीज़न ये है मुझे नहीं एंट्री मिलने का कारण जो है दिख रहा है कि मैं शॉर्ट्स में हूँ, मतलब शॉर्ट्स ही एक्चुअली, तो शॉर्ट्स में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी जनरली मॉस्क वगैरह में अलाउड नहीं होता। एक्चुअली बहुत सारे कंट्री में शॉर्ट्स, मुस्लिम कंट्री में शॉर्ट्स पहनना अलाउ भी नहीं होता। जैसे कि भाई साहब अगर मैं मान के चलो ईरान जा रहा हूँ, तो ईरान में शॉर्ट्स पहनना उतना ईजी नहीं होता। आप शॉर्ट पहन के नहीं घूम सकते एज ए टूरिस्ट, आप फिर भी कम ओके हो गए, बट कम थोड़ा आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो पुलिस के थ्रू। और बहुत सारे कंट्री आई थिंक सऊदी वगैरह में भी ये रूल है, तो यहाँ पर तो भाई किसी को मैं शॉर्ट्स में देख ही नहीं रहा हूँ, सारे के सारे फुल पैंट्स में हैं। तो लेट्स सी क्या मुझे एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। ये भाई साहब मॉस्क है, एक्चुअली ये वाला पार्ट मॉस्क का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, जाके देखते हैं। कहा तो उन लोगों ने काफ़ी खूबसूरत है, बट कुछ लड़कियों को मैं देख रहा हूँ बिना हिजाब के भी यहाँ पर है, तो अगर लड़कियाँ बिना हिजाब के यहाँ पर जा रही है तो आई थिंक मुझे भी जाने दे सकते हैं, वो तो चल के ही चलेगा, बता अभी कि क्या हिसाब किताब है। तो भाई साहब शाम के 5 बजे यहाँ पर एंट्री है, मैं आ चुका हूँ। पुलिस वाले भाई साहब पता नहीं देखते कुछ बोलते हैं मुझे एंट्री के लिए। कैन आई एंटर नाउ? ओह थैंक यू वेरी मच। इंडिया यस इंडिया इंडिया हेलो हाउ आर यू डूइंग। काफ़ी ब्यूटीफुल सा मॉस्क लग रहा है यार ये तो, वाओ। ये नाम है भाई साहब इस मॉस्क का, मुशे दे ला मोशक हसन चू, सो हसन सेकंड, ये मॉस्क है, इस मॉस्क का नाम है। भाई साहब काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, अच्छा हुआ आज मैंने माइक ले आया, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, शानदार नज़ारा है, और सामने से आप वहाँ से ओशन वगैरह भी देख सकते हो। हालांकि सारे लोग तो फुल कपड़े में, मैं ही आई थिंक लग रहा है ऐसा कि हाफ कपड़े में घूम रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली बहुत ही कम लोगों को मैंने हाफ कपड़ों में यहाँ पर देखा है, ऐसा हाल है भाई साहब। तो भाई मैं मॉस्क के अंदर वगैरह घूम रहा हूँ, एक भाई साहब मिले, उन्हें कहा कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से, तो कहते तो मुस्लिम हो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं हिंदू, तो उन्हें कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है आप घूमो यहाँ पर, लेकिन नो वार बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। मैंने कहा भाई साहब कोई वार नहीं कर रहे हैं हम, आप लोग वार कर रहे हो मुस्लिम मुस्लिम में अल्जीरिया में। तो थोड़ा उन्होंने कहा बोला कि नो वार, मतलब पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। यहाँ पे से देखो देखो भाई, दो तीन लड़कियाँ यहाँ पर बिना हिजाब के, तो बिना हिजाब के भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं, नो वार हिंदू मुस्लिम,
तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं बोला, मैं निकल गया वहाँ से। क्या ये बात करता हूँ उनसे मैं। इस तरफ ये दिख रहा है भाई साहब मॉस्क, और भाई साहब ये जरा अंदर का नज़ारा ऐसा कुछ दिख रहा है। ये 210 मीटर का टावर है भाई साहब ने बताया मुझे, एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी अभी, और यहाँ पे ये माहौल है। चलो अंदर चल के भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। हालांकि यहाँ पे खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं, एक बड़ा सा मॉस्क है, बड़ा सा एक्चुअली बहुत रिली बड़ा इसका एरिया है बैठो, और खास करके जब शाम होगा तो भाई यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे वगैरह रहेंगे। फिलहाल तो हम लोग इस एरिया से घूम रहे हैं। तो भाई साहब मैंने लोगों से पूछा कि क्या मैं मॉस्क के अंदर जा सकता हूँ यहाँ से, तो एक्चुअली ये मॉस्क का एंट्री इधर से लड़कियों का है, और मेरे पीछे उस तरफ लड़कों का एंट्री है। और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना हिजाब के भी हैं, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कोई पाबंदी है लड़कियों के लिए लड़कों के लिए कि आपको हिजाब में जाना होगा यहाँ। मुझे लगता है ऐसा कोई खासा पाबंदी नहीं है। बाकी जब मैं अंदर पहुँचूँगा तो अंदर जाके देखूँगा। लोग पता नहीं मेरे पर हंस क्यों रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू डूइंग। लोग देख के आते नहीं, पीछे से कुछ कुछ हंस रहे थे, बोल रहे थे, जब मैंने बात करना चाही तो सब शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं है। हेलो, हाउ आर यू डूइंग। यस, या आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस। व्हाट, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू मोरक्को बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। योर फोटो, व्हाट, यू एंड मी, ओके ओके, श्योर श्योर। आर यू गाइस फ्रॉम मोरक्को? आई एम फ्रॉम इंडिया। सब आ रहे हैं फोटो साथ, चलो आ जाओ। सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते भाई साहब। जबरदस्ती बेटा मुंह पकड़ के उधर कर रहे हैं। नमस्ते, जो पी महली बिदीज लो फक मलई लपर। मेरे को जबरदस्ती, ओके ओके ओके, ओ माय गॉड। भाई साहब इतनी बात बढ़ गई कि सिक्योरिटी गाना पड़ गया भाई साहब। उसके बाद जो हुआ अभी मैं मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा यार, इतना फेमस तो मैं कभी फील नहीं किया था यार। बेसिकली इमेजिन लाइक ऐसा फील हो रहा था कि यार मेरे सारे आगे पीछे सब्सक्राइबर्स हैं और लोग फोटो खिंचवा रहे थे। चलो फोटो तो ठीक है, एक लड़की बोलती है कि फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ उसके मन में, एक लड़की को ज़्यादा ही शुरू से ही ना वो थी, क्या कहते हैं, एग्रेसिव थी। तो उसने एक लड़की मेरे माथा को पकड़ा, बोला माथा घुमाया उधर इधर देखो माथा, जबरदस्ती करके ये सब तो हो गया, ठीक था। फिर उसके बाद मेरा क्या क्यों वीडियो बना रखा, मैंने कहा यूट्यूब के लिए। फिर यूट्यूब पर मेरे फॉलोअर्स देखे, उसके बाद तो लोग और चौंक गए। उसके बाद लाइक सब बोले नंबर ले लो मेरा, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो। उसके बाद अराउंड 10 मिनट तक ये मामला चलता रहा। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि तो सबसे थोड़ी मेरी बातें करने की कोशिश कर रहा था, एंड देन पुलिस ने सबको अलग किया, उस तरफ किया, मुझे इस तरफ किया। तो बड़ा ही वेयर्ड सा माहौल था यहाँ पे, बट ठीक है। मैं फिलहाल अभी आ चुका हूँ मॉस्क के अंदर, और चलो एटलीस्ट फाइनली मॉस्क के अंदर तो चले जाऊँ कम से कम। भाई साहब अंदर काफ़ी मस्त आर्किटेक्चर दिखा मुझे ऊपर ना, लेकिन अलाउड नहीं है मुझे जाना। उन्होंने पूछा कि तुम मुस्लिम हो, तो मैंने कहा नहीं, झूठ क्यों बोलता भाई मैं, हालांकि बोलता झूठ तो भी चला जाता है यार, लेकिन झूठ क्यों बोलूँ इस बात के ऊपर ना, रिलीजन का मामला है, झूठ क्या यहाँ पे क्यों बोलूँ। अगर ये बोलते तुम स्टूडेंट हो तो मैं चला जाता, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसने कहा तुम मुस्लिम, मैंने कहा नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। फिर मैं अंदर नहीं गया, उन्होंने कहा मुस्लिम के लिए अलाउड नहीं अंदर जाना, मैंने कहा ठीक है फिर अलाउड नहीं तो मैं नहीं जा रहा। एज ए मैं इंडिया से हूँ भाई साहब, और अगर मैं मुस्लिम बोल भी दूँ ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, मतलब फ़र्क तो किसको ही पड़ना है। आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मॉस्क के अंदर जाऊँ, बट उन्होंने मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं, जाने पहले के अंदर काफ़ी मस्त दिख रहा था भाई, ये काफ़ी रियली ब्यूटीफुल मॉस्क लगा मुझे। लेकिन जो अभी मेरे साथ हुआ उस बात पर मैं अभी काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि लगता हूँ मैं मोरक्को का हूँ, बट जब लोगों से बातें वगैरह करता हूँ काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोग हैं यार, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया की, इंडिया की रिस्पेक्ट तो है, ये बोलना चाहूँगा इंडिया की रिस्पेक्ट मुझे इन सारे कंट्रीज़ में काफ़ी सही ढंग से मिलती है, तो अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ पे। अब तो फिलहाल प्रेयर टाइम है, अब तो और ही नहीं जा सकता मैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुछ टूरिस्ट मैंने यहाँ पे देखा, अब मैं नहीं जा पाऊँगा यहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। भाई साहब ऊपर बादल मूव हो रहे हैं, जब मैं ऊपर देख रहा था ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग मूव हो रही है। जरा आपको भी लग रहा है ऐसा क्या, सिर्फ मुझे ही लग रहा है? देखो जरा
चक्कर आ जाएंगे भाई, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं देख सकता, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग मूव हो रहा है। ये भाई मॉस्क का एंट्री पॉइंट था, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। वो अंदर से बहुत बड़ा मॉस्क है लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है, जा नहीं सकते आप। मतलब आप जा सकते अगर आप मुस्लिम हो तो, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं जा सकता। इस मस्जिद से मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ इस तरफ। ये काइंड ऑफ मुझे मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है, मुंबई वाला मरीन ड्राइव देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, तकरीबन एक घंटे बात कर रहा था अपने एक दोस्त से, और जब मैं जा रहा था दो लड़कियाँ आई और लाइक फ्लाइंग किस दे के चली गई। मैंने कहा ये यहाँ पे लड़कों का छेड़ा जा रहा है, तो इंडिया में यही कहेंगे ना कि छेड़ रहे लड़कियों को, यहाँ पर लड़कों का छेड़ा जा रहा है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पर। जरा मैं चल रहा हूँ, ये मरीन ड्राइव टाइप का है भाई, जहाँ से आपको समुद्र का व्यू दिखेगा। सामने पुलिस वगैरह भी है, धीरे धीरे मैं पुलिस से काफ़ी नॉर्मल होता जा रहा हूँ। जब मैं शुरू में आया था तो मैं पुलिस के सामने वगैरह वीडियो नहीं बना रहा था, अब थोड़ा मैं पुलिस के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। पुलिस यहाँ पे कुछ खास नहीं बोलते, मतलब मैंने सुना था कि मोडक्को में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो भाई साहब जंप करने वाले हैं क्या? वो एक सेकेंड यार, बड़ा ऊँचा जंप कर रहे हैं ये तो। करो भाई साहब जंप कर लो। काफ़ी लंबी जंप थी भाई, कम से कम 10-15 मीटर की तो जंप होगी, काफ़ी ऊंचा था, ऐसा कुछ दिख रहा है। आज अच्छी खासी हवा भी चल रही है तो मैंने माइक इसलिए लगा रखा है। ये काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस लग रहा है भाई। एक बात मुझे मोड़ को की अच्छी दिखी, ये लोग यहाँ बाहर आके खड़े वगैरह होते हैं और बाहर एकदम समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चल रहा है और व्यू अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे भाई सनसेट होने वाला है तो सनसेट टाइम पे यहाँ पे मस्त दिखेगा, ये वाला जो एरिया का जो व्यू होगा ना काफ़ी मस्त दिखेगा। ये समुद्र है और ये दिख रहा है भाई सब अटलांटिक ओशियन है ये एक्चुअली। और ये मॉस्क दिख रहा है, क्या सुंदर दिख रहा है यहाँ से नजारा मॉस्क का ना। तो भाई साहब बेसिकली मैं इस एरिया में चल रहा हूँ, काफ़ी धूप है, काफ़ी भीड़ है, बट मुझे लगता है ये एरिया शाम के समय काफ़ी अच्छा दिखेगा। हिंदी 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 आती है? डू स्पीक हिंदी? स्पीक इंग्लिश? नाइस नाइस। How can I speak India? Oh, because you watch Bollywood here. Yeah, bye. Bye bye. यहाँ पे अजब ही सीन है, लोगों को थोड़ी बड़ी यहाँ पे अंग्रेजी आता है इस शहर में, लेकिन ये लोग मुझे उस समय से देखे जा रहे हैं, kind of मुझे follow कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। How are you guys? Hi. How are you? I'm fine. What is your name? Marwa. Marwa? Yes. Marwa. Okay, okay. Sorry, sorry. मुझे थोड़ा कुछ अलग सुनाई पड़ गया। क्या ही नाम, मुझे लगा कि क्या बोल रही है ये, मुझे लगा ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखो भाई सब तीर वगैरह चला रहे हैं, एक दिन में आप तीर चला सकते हो, क्या मैं भी तीर चला के देखूं? ये काफ़ी इंडिया की याद दिला रही है, यहाँ पे ये मिठाई मिल रही है, काइंड ऑफ इंडिया की तरह ये मिठाई है। सही है भाई साहब, काफ़ी सही स्ट्रीट लग रहा है मुझे ये ना, काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस है। और लेकिन ये जो जगह है, क्योंकि अभी जो सन के कारण क्या हो रहा है कि सही से मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस दिन, हालांकि वेव काफ़ी सही है। और ये था मॉस्क, बट यहाँ पे सन जस्ट मेरे सामने है तो इस वाले पार्ट को मैं शाम को आके देखूंगा तो आई थिंक ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। भाई साहब यहाँ पे कुछ मछुआड़े वगैरह भी हैं, ये कुछ लगा रहे हैं, इसके बाद इसे फिशिंग करेंगे, ये मछली पकड़ेंगे यहाँ से। बेसिकली एक फैमिली थी भाई वहाँ पे पीछे से मेरे साथ घूर घूर के मेरे को देख रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर है, क्या मैं कुछ वियर सा दिख रहा था मुझे, थोड़ा सा लगा क्या हुआ। फिर वो आई बोली कि मुझे फ़ोटो खिंचवानी है पूरी फैमिली, सो सबने फ़ोटो खिंचवाई, तो उस समय से मेरा उन्होंने अच्छा खासा पीछा किया वहाँ से यहाँ तक, फिर वो लोग वापस गए उधर से। तो यहाँ पे लाइक जब मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ, हालांकि मैं दिखता हूँ मोरक्को की तरह, लाइक पूरी तरह से तो नहीं, थोड़ा मैं दिखता हूँ जरूर मोरक्को की तरह। अगर मुझे अरबिक आएगी, अगर मैं बोलूँगा मैं मोरक्को से हूँ तो लोग बिलीव भी कर लेंगे, लेकिन जब मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ तो लोगों को लगता है कि कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा है, अच्छा ये हिंदी बोल रहा है, इंडियन है। तो यहाँ पे लोग क्यूरियोसिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, अच्छी बात है ये। तो भाई साहब अभी तक मैं मरीन ड्राइव पर ही चल रहा हूँ, कासाब्लांका की मरीन ड्राइव पर, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी तक धूप कम हुई नहीं है, आगे कुछ गाने वाने बज रहे हैं तो जाके देखा जाए। वापस से अगर मॉस को देख लूँ, मैं मॉस से काफ़ी दूर जाते जा रहा हूँ इधर से, और वेव काफ़ी शानदार है यहाँ पर। तो भाई साहब पीछे साइकिल वगैरह भी रेंट कर सकते थे, मैंने देखा साइकिल वगैरह रेंट करने का जो ऑप्शन था, अराउंड 200 रुपये में एक घंटे और 300 रुपये में 2 घंटे के आसपास के ये हिसाब किताब था। यहाँ पर लोग फिशिंग वगैरह भी कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे कैसे गए समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, और अभी भी काफ़ी अच्छी खासी वेव चल रही है। भाई साहब यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा क्रेजी है, बेसिकली यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो बेसिकली इनको रुकना चाहिए यू नो अकॉर्डिंग टू द रूल, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रुकने वाले में से कोई है नहीं। ये भाई साहब ने तो रोका, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हॉर्न बजा रहे हैं, बचाओ।
ये भाई साहब रुकेंगे या नहीं रुकेंगे यार, देखा जाए। हाँ तो रुक गए, चलो नहीं रुक रहे भाई यहाँ से कहीं, अभी ठोक नहीं दे, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे क्योंकि इंडिया में तो पता तो रहता है कि गाड़ी रुक जाएगी हाथ देने के बाद, हमारे हाथों में कुछ अपार शक्ति होती है जैसे कि हम गाड़ी को रोक सकते हैं, बट यहाँ का तो कोई सीन ही नहीं पता कि गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी। मैं इस गलियों में आ गया हूँ भाई साहब, थोड़ा मेरा खाना मुझे ढूंढ रहा हूँ मैं, बाहर लिंद इस जगह का नाम है और यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह टाइप का मिल रहा है, और देखा जाए क्या मिल रहा है ये। अच्छा ये मुझे पता है भाई, मैंने ये मैक्सिको वगैरह में खाया था, काफ़ी सही होता है ये, बट मैं जा रहा हूँ इस तरफ इस गली में। फाइनली मैंने उस जो मरीन ड्राइव था कासा ब्लांका का उसको मैंने छोड़ दिया है। अच्छा खासा चला भाई, मतलब तकरीबन 2 किलोमीटर चला मैं, और कुछ भूख लगी थी तो वहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट फूड था और कुछ ढंग का मुझे समझ में नहीं आया कि जो कि खाया जा सके। यहाँ पे ढंग का मुझे लग रहा है खाना पीना मिल जाएगा इस एरिया में ना, जाके देखता हूँ क्या मिल सकता है इस एरिया में खाना पीना। तो भाई साहब चल के मैं ये कैफ़े आ गया, ये लेवानीज रेस्टोरेंट है, तो मुझे फलाफल खाने का मन करने लगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर फलाफल खा लूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर का नज़ारा, यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं, काइंड ऑफ एक नॉर्मल एरिया है ये, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं और थोड़े मोड़े शॉप्स हैं, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। और मेरे सामने ही बीच था जहाँ से मैं जाकर देख सकता था, बट मैं वहाँ से जस्ट अभी होके आया हूँ, तो इसी लेबनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना खा लेता हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद एक्चुअली मुझे दो चीज़ यहाँ पर और देखनी है, एक तो हो गया भाई यहाँ का मॉल, एक सुना है यहाँ पे कहते हैं मोरक्को मॉल, तो वो जाके देखना है मोरक्को का मॉल, और दूसरा एक और है यहाँ पे, एक है ओल्ड मदीना। बेसिकली मदीना क्या होता है कि इन सब कंट्रीज़ में ओल्ड सिटी को ओल्ड मदीना कहते हैं, ओल्ड मदीना को भी देखना है, तो ये दो चीज़ों को मुझे आज देखना है, उसके बाद आई थिंक आज की जर्नी ख़त्म करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे बैठा हुआ और खाना आ गया है और मैं खाना खा रहा हूँ, ये है खाना पानी, चलो खाना खाते हैं। तो भाई साहब खाना पीना खा के वापस मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव पर, थोड़ी हवा भी चल रही है, ठंडी भी लग रही है, रुपये खड़े हो रहे मेरे, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अब सही सनसेट दिखने वाला है यहाँ से, एक्चुअली सनसेट का थोड़ा सा वेट कर रहा था कि सनसेट दिखेगा तो काफ़ी अच्छा माहौल, लेकिन सनसेट अब हो जाएगा, मतलब 15-20 मिनट सनसेट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वापस इस रोड क्रॉस करते हुए भाई साहब बड़ा मुश्किल रोड क्रॉस करना ना यहाँ पे। तो भाई साहब अब ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है और मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली दो लोग मिल गए और मुझे बोले कि चलो हमारे साथ चलो घूमने के लिए, मैंने कहा चलो चलता हूँ, लेकिन क्या मस्त दिख रहा है सनसेट का जो व्यू आ रहा है उसके ऊपर ना, मस्त दिख रहा है और मैं लोग साथ जा रहा हूँ। व्हाट्स योर गाइज नेम? सारा, मलाक, हजाद। यू ऑल लिव इन इटली और ओनली यू? नो, ओनली मी। ओनली यू? स्पेन। यू इन स्पेन, सो यू स्पीक स्पेनिश? यस। कम स्टार्स? आई जस्ट नो पोका स्पेनिश बिकॉज़ आई वाज इन साउथ अमेरिका इन कोलंबिया पेरू, दे स्पीक कोलंबिया पेरू, यस कोलंबिया पेरू, दे स्पीक स्पेनिश देयर। यस एंड शी लिव इन मोरक्को। ओह यू लिव इन मोरक्को, ओके नाइस। सो मोरक्को इज रियली ब्यूटीफुल। ओह सो ब्यूटीफुल, मेनी गुड प्लेसेस। So you always come every year for vacation? Yes. Okay. Because we have family here. Okay. And we want to meet our grandparents. Parents, yeah. Your family live also in Italy with you? Oh yeah. Okay. And which where are we going now? Marina. To Marina Mall. Marina Mall? Yes. Nice. Thank you very much for inviting me. Nothing. You're welcome. Thank you. तो भाई इन लोग साथ में जा रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ पे जाना है। ये मरीना मॉल कह रहे हैं कि ये लोग चलेंगे, मैंने कहा चलो मैं भी चल लेता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ के मॉल वगैरह कैसे हैं, और ये व्यू भी काफ़ी शानदार दिख रहा है। थोड़ा मेरा वेट करने का मन था कि सनसेट ख़त्म होने वाला है और ये सनसेट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है भाई साहब। जो एरिया जो है ना रियली काफ़ी खूबसूरत एरिया लग रहा है मुझे ये, स्पेशली सनसेट के बाद ये जो एरिया है जो यहाँ पर जो लाइक जो सनसेट होने के बाद जो लाइटिंग आ रही है मॉल के ऊपर वो काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई साहब अभी चल रहा है प्रेयर और इस प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वेल आज का दिन काफ़ी शानदार सा रह रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं और खास करके कासाब्लांका में काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और अभी मैं जाऊँगा अगले वीडियो आपको मॉल वगैरह दिखाऊँगा, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है भाई। आपको एक बार जाने से पहले आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है भाई, अंधेरा और ऑलमोस्ट होने वाला है और लाइटिंग वगैरह ऑलरेडी जल चुकी है, बट अगर ज़रा व्यू देखा जाए काफ़ी शानदार व्यू है। ओशन का भी तो मैंने आपको दिखाया ही, और इन तीनों के साथ अब मैं चल रहा हूँ मॉल के लिए। फिलहाल के लिए बाय।